एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो आपने पहले भी देखा हो या आप इसे पहली बार देख रहे हों, पर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अंदर तक झंझोर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या सच में जीवन ऐसा होता है? क्या ये सब होना जरूरी है? ये सारे सवाल दिमाग में घूमने लगते हैं। तो फ्रेंड्स पहले आप वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। सच में ये वीडियो आज की सच्चाई बयां कर रहा है, किस तरह हर इंसान अपने जीवन की सारी कमाई अपने बच्चों पर लगा देता है और वही बच्चे अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। मैं जानती हूँ हर माँ बाप के साथ ऐसा नहीं होता है, पर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे। जिन हाथों ने हमेशा कमाकर बच्चों को दिया है, उनको अपने आखिरी दिनों में बच्चों से अपनी ज़रूरतों के लिए जैसे चश्मा दवाई आदि के लिए पैसे मांगने में शर्म या संकोच महसूस होगा। जब आप रिटायरमेंट ले लेंगे तो आपकी सैलरी आना बंद हो जाएगी, तब भी क्या आप किसी के पैसे देने का इंतज़ार करेंगे या अपनी पेंशन का इंतज़ाम खुद करेंगे? फ्रेंड्स बारिश आने से पहले ही छाते का इंतज़ाम किया जाता है, बारिश शुरू होने के बाद नहीं। तो आपको अपना रिटायरमेंट आज ही प्लान करना चाहिए। ये कैसे, क्या और कहाँ, कैसे आप अपने रिटायरमेंट को प्लान करेंगे, इस सवाल का जवाब मैं आपको बताती हूँ एक प्लान से। आपकी एज है 30 इयर्स और आपने 6,000 हर महीने सेविंग करी है और जो आपने 16 साल तक पैसा जमा किया है 6,000 पर मंथ के हिसाब से, तो जब आपका रिटायरमेंट आएगा यानी 55 की एज से आपको 3 लाख रुपए हर साल मिलने लगेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छी खासी रकम है आपका रिटायरमेंट, सुखी रिटायरमेंट के लिए, और आपके परिवार को 40 लाख रुपए मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी डाउट के लिए प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।